नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का मॉडल पेपर कराएंगे, जो कि आपका मिनी टेस्ट पेपर के नाम से होगा। इस मिनी टेस्ट पेपर का मतलब होता है कि आपका सामान्य ज्ञान से 7 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से 7 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 7 क्वेश्चन है, और सामान्य तर्क सकते हैं कि सामान्य रीजनिंग से आपका 4 क्वेश्चन। टोटल 25 प्रश्नों का हर सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका टोटल 25 प्रश्नों का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेमस एज लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है सफेद हाथियों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से बताना कि सफेद हाथियों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी थाईलैंड या ऑप्शन डी जापान। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी थाईलैंड, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन को, और दो नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, फेमस प्लेयर साइना नेहवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से बताना है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन है आपका हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी गोल्फ या ऑप्शन डी टेनिस। तो देखिएगा, साइना नेहवाल का संबंध जो होता है वो आपका बैडमिंटन खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए, टाइगर वुड्स का संबंध जो होता है वो आपका गोल्फ खेल से होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन को, और तीन नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, हु वाज फेमस एज बंगबंधु, यानी कि बंगबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, तो जल्दी से बताना कि बंगबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था। ऑप्शन चार आपके सामने दिया गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, बंगबंधु के नाम से प्रसिद्ध जो थे वो आपका शेख मुजीबुर रहमान थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी शेख मुजीबुर रहमान, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो देशबंधु के नाम से जो है वो आपका चित्तरंजन दास से, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन की ओर, चार नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। आपको बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ऑप्शन आपका 1915, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 2000। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है 1915, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो सार्क का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1985 में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन को, और पांच नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज आपका मिनी मॉडल पेपर का टेस्ट है, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका टोटल 25 प्रश्नों का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा, पांच नंबर क्वेश्चन पूछा है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस मीट्स विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन आपका अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 19, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन को, छह नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, वेयर वाज एडोल्फ हिटलर बोर्न, यानी कि एडोल्फ हिटलर का जन्म कहां पर हुआ था। आपको बताना कि एडोल्फ हिटलर का जन्म कहां पर हुआ था। ऑप्शन आपका ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी इटली। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन को, और सात नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, इन विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। ऑप्शन आपका 1969, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1935 या ऑप्शन डी 1980। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुआ था आपका 1935, 1 अप्रैल 1935 हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन को, और आठ नंबर क्वेश्चन ऐसे हमारा जनरल साइंस का पार्ट स्टार्ट होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना है कि आपका टॉप 7 जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा, आठ नंबर क्वेश्चन पूछा है, हु इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो होता है वो आपका चंद्रमा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन की ओर, नौ नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका क्लोरीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी नियोन। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है कैलोरीन, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दस नंबर क्वेश्चन की ओर, दस नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल्दी से बताना है कि पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका KCl, क्या होता है? KCl होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल, यानी कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल या ऑप्शन डी मेलिक अम्ल। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी मेलिक अम्ल, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट ऑर्गन अफेक्ट ग्रेटरी डिजीज, यानी कि घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। आपको बताना है कि घेंघा रोग जो होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका आँख, ऑप्शन बी गला, ऑप्शन सी पेट या ऑप्शन डी आंत। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी गला, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन पूछा है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा कि पानी किन रूपों में पाया जाता है। ऑप्शन है आपका ठोस, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन सी गैसीय, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार करवाया है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है। आपको बताना है कि मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है। ऑप्शन आपका पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी सोडियम, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को। 15 नंबर क्वेश्चन ऐसा हमारा मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है कि आपका मिनी मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मोहन की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/3 है और उनकी उम्र का योग 60 वर्ष है, तो मोहन की उम्र कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से सॉल्व करके इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन बोला है कि मोहन की उम्र अपने पिता की उम्र की 1/3 है, तो मैं मान लेता हूं कि मोहन के पिता का उम्र 1 वर्ष का था, तो मोहन कितना हो जाएगा जी, मोहन हो जाएगा 1/3। अब बोला है कि उनके उम्र का योग 60 वर्ष है, यानी कि 1+x/3 का उम्र का योग 60 वर्ष का है। अब हम आराम से इसे सॉल्व कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूं, यानी कि 1+x/3 = आपका 60। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4x/3 कितना आएगा, 4x/3 बराबर में 60, 4 से कितना बढ़ जाएगा 15 × 60, यानी कि x बराबर मेरा है 45। x मैंने किसे माना था, तो पिता का उम्र कितना है 45 वर्ष। तो बोला है कि मोहन की उम्र कितनी होगी, मोहन बोला है कि मोहन जो है अपने पिता का 1/3 है, यानी कि 45 का 1/3 होगा 15 साल, यानी कि कितना 15 साल का वो मोहन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए 15 साल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि कितने परसेंट साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। बहुत ईजी और शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, अगर आपको आ रहा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। कितने परसेंट साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ, इसका एक फॉर्मूला होता है n-1 गुने में 100/ टाइम। क्या होता है जी, n-1 × 100/ टाइम। अब देखिएगा n किसका होता है, अगर आपको यहाँ पर 3 गुनी होता तो n का वैल्यू कितना होता, 3, लेकिन यहाँ पर हमें 2 गुनी दिया गया है, तो 2-1 गुने में 100 और टाइम कितना जी, टाइम मेरा है 5 वर्ष का, तो बट्टे में 5 कर देना है, 2 में से 1 गया 1 और 1 गुने का 100/5 कितना आएगा 5 से 20, मान लेंगे 20% यहाँ पर आपका दर आ जाएगा। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी और लास्ट जो आप क्वेश्चन आप लोगों से पूछा, इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में हर साल पूछता है। क्वेश्चन आपसे पूछा कि महेश ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदी और 600 रुपये में बेच दी। महेश ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदा और 600 रुपये में उसे बेच दिया, तो कितना परसेंट का हानि या लाभ हुआ। आपको बताना है कि कोई साइकिल 500 रुपये में खरीदता है और 600 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितना रुपए का लाभ हुआ जी, 100 रुपये का लाभ हुआ। ये तो आप सभी को आता होगा, लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ आपका 100 रुपये का, 100 रुपये का हमें लाभ हुआ। तो पूछा है कि लाभ परसेंट हमें बताना है। देखिए यहाँ ऑप्शन में दिया लाभ परसेंट का, तो परसेंट लाभ का मैंने आपको कल ही फॉर्मूला बताया था आर्मी क्लासेज वाले पे। तो लाभ परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100/ क्रैमूल। कभी भी लाभ या हानि परसेंट निकलता है तो आपका क्रैमूल पर निकलता है, यानी कि क्रैमूल है मेरा 500 रुपये, तो बट्टे में 500 हमने कर दिया, 00 से 00, 5 से 20, यानी कि 20% का उसे लाभ हुआ। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 20% बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मोहन ने सोहन से 10,000 रुपये उधार लिए, यदि ब्याज की दर 12% है वार्षिक हो, तो मोहन 6 वर्ष बाद कितने रुपए लौटाएगा। बहुत ईजी और शानदार क्वेश्चन पूछा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। सबसे पहले हमें इसका साधारण ब्याज निकालना होगा, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से लाइव चैट में बताना कि SI निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो SI निकालने का फॉर्मूला होता है P×R×T/100, यानी कि मूलधन गुने में, मूलधन में रहा 10,000 रुपये, तो हमने 10,000 लिखा, गुने में दर गुने में समय, समय है 6 वर्ष / 100, 00 से 00 हमने कट लगा लिया। अगर हम लोग आपस में तीनों को गुना करेंगे तो आएगा 7200, यानी कि मेरा SI साधारण ब्याज है 7200 रुपये। तो पूछा कि कितने रुपये लौटाएगा, यानी कि मिश्रधन पूछा गया, तो मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज, यानी कि मूलधन में रहा 10,000 रुपये, तो हमने 10,000 लिखा और मेरा ब्याज आया था 7200 रुपये, तो हमें 7200 को ऐड करना होगा 002
और 17 यानी कि 17,200 रुपए का उसे लौटाना पड़ेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मोहन को 6 वर्ष बाद उसे 17,200 रुपए लौटाना पड़ेगा, इसके आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। और इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना, और चैनल पर जो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक वर्ग की भुजा 19 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको वर्ग की भुजा पता है 19 सेंटीमीटर, तो पूछा कि परिमाप ज्ञात करना, आपको लाइव चैट में बताना है कि वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है 4 × में, यानी कि 4 × में भुजा, यानी कि 4 × में हमें भुजा दिया गया 19 सेंटीमीटर है। अगर हम 19 में 4 से गुना करेंगे तो आपके सामने राइट आंसर आएगा 19 × 76 सेंटीमीटर। ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ परिमाप ना देकर के क्षेत्रफल पूछा होता तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, यानी कि 19 का स्क्वायर कर देगा तो आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन को, और 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 25 का कितना प्रतिशत 20 होगा। आपको बताना कि 25 का कितना परसेंट 20 होगा, तो 25 का कितना परसेंट, तो मान लेता हूँ x% = 20। अब आराम से हमें सॉल्व करना होगा, 25 × x/100, x/100 = 20, 25 × 100 = 100 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके सामने राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि 20 में 4 से करेंगे तो आपका 80% कितना परसेंट है, 80% ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन को, और 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना है और इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि 500 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। आपको मूलधन दिया है 500 रुपये, रेट दिया है 8% है और टाइम दिया है 4 वर्ष। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100, यानी कि 500 × 8 × 4/100, 00 से 00, 8×5 = 40, 8×5 = 40 और गुने का 4 कितना होगा, 160 रुपये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, 22 नंबर क्वेश्चन ऐसा हमारा रिजनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताना है कि आपका मैथ के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि समुद्र का जो संबंध जहाज से है तो वही संबंध ऊंट का किससे होगा। आपको बताना कि समुद्र का जो संबंध जहाज से है तो वही संबंध ऊंट का किससे है। तो देखिएगा ऊंट जो होता है वो आपका रेगिस्तान में चलता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी रेगिस्तान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, 23 नंबर क्वेश्चन आपके श्रेणी से दिया गया है। क्वेश्चन आपको दिया गया 3, 5, 8, 12, 17, 23, तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, 3, 5, 8, 12, 17, 23, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कितना होता है, 3 + 2 आपका 5, 5 + 3 = 8, 8 + 4 होता है 12, 12 + 5 आपका 17 और 17 + 6 होता है आपका 23 है। तो 23 + 7 करेंगे तो कितना आएगा, 23 में अगर हम लोग +7 करेंगे तो कितना आएगा जी, 30 आएगा। ऑप्शन नंबर डी 30 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, 24 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम को चुना है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन गलत है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इन चारों में से कौन अलग है। आपको विषम चुनना है तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है तो इसका राइट आंसर आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को, और 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इसका डायरेक्शन पढ़ देता हूं, ऊपर में होता है आपका उत्तर, उसके बाद होता है नीचे दक्षिण, यहां पर आपका पूर्व होता है और यहां पर आपका पश्चिम होता है। अब ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन बोला है कि मोहन ने 20 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, कहां पर मोहन जो है 20 मीटर पश्चिम यहां पर है, और बोला जाकर के वो दाएं मुड़ गया, कहां मुड़ा, दाएं मुड़ गया। अब बोला कि 30 मीटर चला और फिर उसके बाद कहां पर मुड़ा, दाएं मुड़ गया, फिर यहां पर कहां मुड़ गया, दाएं मुड़ गया। तो पूछा कि वो अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो कहां पर जा रहा है वो आपका पूरब दिशा की ओर, कहां पर जा रहा है पूरब दिशा की ओर। ऑप्शन सी पूरब यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक एक लाइक कर देना है और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस करना है। और द आर्मी क्लासेस पे लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।